गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम दक्षिता शर्मा है। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव सक्सेस। जब आप वेस्टीज बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो आपकी सबसे पहली इनकम होती है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है, कब मिलता है और कैसे मिलता है, यही जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं वेस्टीज रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करती हूँ। वेस्टीज बिजनेस में टोटल 9 तरह की इनकम्स होती हैं। पहली रिटेल प्रॉफिट, दूसरी परफॉर्मेंस बोनस, तीसरी ब्रांच डायरेक्टर बोनस, चौथी बिजनेस बिल्डिंग बोनस, पांचवी लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, छठवीं ट्रैवल फंड, सातवीं कार फंड, आठवीं हाउस फंड और नौवीं एलीट क्लब बोनस। इन 9 तरह की इनकम्स पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको परफॉर्मेंस बोनस डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर वेस्टीज के साथ जुड़ता है तो उनका पहला बेनिफिट होता है रिटेल प्रॉफिट, और जब वो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाना शुरू करता है तो वहाँ से उनकी पहली इनकम आनी शुरू होती है, जिसका नाम है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी, जैसे कि पॉइंट वैल्यू और बिजनेस वॉल्यूम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम पीवी और बीवी कहते हैं। जब आप वेस्टीज में 30 रुपये खर्च करते हैं तो आपको एक पॉइंट वैल्यू मिलता है, और एक पीवी 18 बिजनेस वॉल्यूम के बराबर होता है, यानी कि 1 PV इज इक्वल टू 18 BV। परफॉर्मेंस बोनस 5% से 11% तक मिलता है, तो 5% से 11% तक का लेवल डिसाइड होता है आपके अक्यूमुलेटिव पॉइंट वैल्यू के ऊपर। जैसे जैसे आपका अक्यूमुलेटिव पॉइंट वैल्यू बढ़ता है, वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ता है। अक्यूमुलेटिव पॉइंट वैल्यू का मतलब होता है पिछले सभी महीनों में इकट्ठे हुए पॉइंट वैल्यूज। तो परफॉर्मेंस बोनस में सबसे पहला लेवल होता है 5%, उसके बाद 8%, फिर 10% और आखिर में आता है 11%। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट वैल्यू 30 रुपये के बराबर होता है, यानी कि 1 PV इज इक्वल टू 30 रुपीज। तो यदि हम इस टेबल में पॉइंट वैल्यू को रुपीस में कन्वर्ट करें तो कुछ ऐसा टेबल बन के आता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगी कि परफॉर्मेंस बोनस हमें किस तरह मिलता है। ये समझाने के लिए मैं इस टेबल को थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगी और कैलकुलेशन को आसानी से समझने के लिए रुपीस की वैल्यू को राउंड ऑफ कर दूंगी। तो शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल के साथ। लेट्स अज्यूम कि आपने इस महीना वेस्टीज ज्वाइन किया है और प्रोडक्ट्स ट्राई करने के लिए आपने वेस्टीज से 3000 की शॉपिंग की। तो अगर हम इस टेबल में देखें तो 3000 लाइक करता है पहले स्लैब में, इसीलिए आपका लेवल हो गया 5%। आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट्स अच्छे लगे और आपने अपने 3 दोस्तों को वेस्टीज रेकमेंड किया। लेट्स अज्यूम कि आपके पहले दोस्त ने 2000 की शॉपिंग की, दूसरे ने 3000 की शॉपिंग की और तीसरे ने 1000 की शॉपिंग की। तो अब इन तीनों लोगों का लेवल भी 5% हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों लोगों ने भी 1 से 18 हज़ार के बीच में शॉपिंग की है। तो पहले महीने आपका और आपके पूरे टीम का सेल हुआ 9000 का, और 9000 लाइक करता है 1 से 18 हज़ार के बीच में, इसीलिए पहले महीने आपका लेवल हुआ 5%। अगले महीने आपके दोस्तों ने उनके दोस्तों को वेस्टीज के प्रोडक्ट्स रेकमेंड किए और उन लोगों ने भी वेस्टीज से शॉपिंग की। लेट्स अज्यूम आपने अगले महीने 2000 की शॉपिंग की और आपके डाउनलाइंस ने कुछ 2-3 हज़ार की शॉपिंग की, तो आपके डाउनलाइंस का भी लेवल हो जाएगा 5%। आपके वे दो डाउनलाइंस जिन्होंने इस महीने शॉपिंग नहीं की थी, उनका भी लेवल होगा 5%। तो दूसरे महीने आपका और आपके टीम का टोटल सेल्स हुआ 10,000 रुपये। जब हम इस महीने का लेवल चेक करेंगे तो हमें पिछले महीनों का भी सेल्स ऐड करना होगा, क्योंकि वेस्टीज का प्लान एक अक्यूमुलेटिव प्लान है। ऐड करने के बाद टोटल सेल्स हुआ 19,000 रुपये, और 19,000 लाइक करता है 18,001 से 72,000 रुपये के बीच में, इसलिए इस महीने आपका लेवल हो जाएगा 8%। हमने पिछले महीने के सेल्स इस महीने इसलिए ऐड किए क्योंकि वेस्टीज का प्लान एक अक्यूमुलेटिव बिजनेस प्लान है, इसीलिए वेस्टीज में केवल प्रमोशन होता है, कभी डिमोशन नहीं होता। इसका ये फायदा है कि हमारे पुराने महीनों के पीवीज आगे के महीनों में जुड़ते जाएंगे, और इसी वजह से हमारा लेवल तेजी के साथ बढ़ता जाएगा। जितनी जल्दी आपकी टीम बढ़ेगी उतनी जल्दी आपका लेवल बढ़ेगा। यहाँ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस बता देती हूँ। यदि आप 5% लेवल पे हैं और यदि आपने किसी एक सिंगल मंथ में 282 PV का बिजनेस किया है, तो आप सीधा 8% के लेवल पे पहुँच जाएंगे,
और इसे हम कहते हैं फास्ट स्टार्ट 8%। फास्ट स्टार्ट 8% अचीवर्स को कंपनी द्वारा 750 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट वाउचर मिलता है, जिसमें कंपनी उन्हें कुछ फिक्स प्रोडक्ट्स गिफ्ट करती है। और दूसरा एडिशनल एडवांटेज, यदि आप किसी भी सिंगल मंथ में 4500 पीवी का बिजनेस करते हैं तो आप सीधा 11% के लेवल पे पहुंच जाएंगे। इसे हम कहते हैं फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर। फास्ट स्टार्ट 8% और फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर के क्या बेनिफिट्स हैं और उन्हें कैसे अचीव करना है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप 11% का लेवल अचीव करते हैं तब कंपनी आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर का टैग देती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि परफॉर्मेंस बोनस का इनकम आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो मैं वही पुराने एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू करके आपको इनकम की कैलकुलेशन एक्सप्लेन करूंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1 PV इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 रुपीज एंड 1 PV इज इक्वल टू 18 BV। पॉइंट वैल्यू से आपका लेवल बढ़ता है और बिजनेस वॉल्यूम से हमारा इनकम कैलकुलेट होता है। तो पुराने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग पहले महीने आपका लेवल था 5%, इसलिए आपको अपने सेल्फ की शॉपिंग का 5% मिलेगा। एक पॉइंट वैल्यू 18 बिजनेस वॉल्यूम के बराबर होता है, इसीलिए हम आपके पॉइंट वैल्यू को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पहले महीने की इनकम हुई 5% ऑफ 100 इंटू 18, यानी कि 90 रुपये। क्योंकि पहले महीने आपका और आपके डाउनलाइंस का लेवल सेम था, यानी कि आपका और आपके डाउनलाइंस का लेवल 5% था, इसीलिए आपको आपके डाउनलाइन से डिफरेंशियल बोनस नहीं मिलेगा। डिफरेंशियल बोनस तब मिलता है जब आपका लेवल आपके डाउनलाइंस के लेवल से ज़्यादा होता है। बेसिकली परफॉर्मेंस बोनस के दो हिस्से होते हैं, पहला वो होता है जो हमें सेल्फ की शॉपिंग से मिलता है और दूसरा होता है अपनी टीम से। टीम से मिलने वाले बोनस को हम डिफरेंशियल बोनस भी कहते हैं। तो सेल्फ पीवी और डिफरेंशियल बोनस मिलाकर बनता है परफॉर्मेंस बोनस। अब मैं आपको दूसरे महीने का कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी। दूसरे महीने आपका लेवल था 8%, जबकि आपके डाउनलाइंस का लेवल था 5%। सेकेंड मंथ आपका सेल्फ पीवी था 67 PV और आपके डाउनलाइंस का टोटल पीवी था 268 PV। तो सबसे पहले आपको अपने सेल्फ पीवी का 8% मिलेगा, यानी कि 8% ऑफ पीवी इंटू 18। एक पीवी में 18 बिजनेस वॉल्यूम होते हैं, इसलिए हम पीवी को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज इक्वल टू 8% ऑफ 67 इंटू 18, जो कि हुआ 96.48 रुपीस। क्योंकि इस महीने आपका लेवल आपके डाउनलाइंस के लेवल से ज़्यादा था, इसीलिए इस महीने आपको उनसे डिफरेंशियल बोनस मिलेगा। आपके लेवल और आपके डाउनलाइंस के लेवल का डिफरेंस 3% था, इसलिए आपको उनके पॉइंट वैल्यू का 3% मिलेगा। आपके डाउनलाइंस का टोटल पीवी था 268, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन हुआ 3% ऑफ पीवी इंटू 18, यानी कि 3% ऑफ 268 इंटू 18, विच इज इक्वल टू 144.72 रुपीस। तो आपके सेकेंड मंथ का टोटल इनकम हुआ 96.48 प्लस 144.72, विच इज इक्वल टू 241.2 रुपीस। तो जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ेगी। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ। लेट्स अज्यूम कि आपका लेवल है 11% और आपके तीन डाउनलाइंस का लेवल है 5%, 8% एंड 10%, और इस महीने उन्होंने 500 PV, 800 PV और 1200 PV का बिजनेस किया। तो आपको अपने पहले लेग से मिलेगा 6% का डिफरेंशियल बोनस, क्योंकि 11-5 इज इक्वल टू 6। तो पहले लेग की कैलकुलेशन हुई 6% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम, विच इज इक्वल टू 6% ऑफ पीवी इंटू 18। पहले लेग से हमें मिला था 500 PV, तो कैलकुलेशन होगा 6% ऑफ 500 इंटू 18, विच इज इक्वल टू 540 रुपीज। दूसरा लेग है 8% पे, तो आपको 3% का डिफरेंशियल बोनस मिलेगा आपके दूसरे लेग से। तो कैलकुलेशन होगा 3% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम, विच इज इक्वल टू 3% ऑफ 800 इंटू 18, विच इज इक्वल टू 432 रुपीज। और आपका तीसरा लेग है 10% पे, तो आपको 1% का डिफरेंशियल बोनस मिलेगा अपने तीसरे लेग से। तो कैलकुलेशन होगा 1% ऑफ 1200 इंटू 18, विच इज इक्वल टू 216 रुपीज। तो इस केस में आपका टोटल इनकम होगा 1188 रुपीज। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। लेट्स अज्यूम कि आपका तीसरा लेग जो कि पिछले महीने 10% पे था, वो इस महीने 11% पे पहुंच गया है। तो इस सिनारियो में आपको अपने तीसरे लेग से कोई भी डिफरेंशियल बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि 11-11 इज इक्वल टू 0।
तो इस केस में आपको अपने पहले और दूसरे लेग से ही परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो मेरा नुकसान हो गया क्योंकि मेरा तीसरा लेग भी 11% पे पहुंच गया है, बट यहाँ पर आपका नुकसान नहीं हुआ है। जब आपका कोई भी लेग 11% पे पहुंच जाता है तो वो बन जाते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर और आप बन जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर। और जब आप सिल्वर डायरेक्टर बनते हैं तो आपकी तीन नई इनकम्स शुरू होती हैं। वो तीन इनकम्स हैं बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ट्रैवल फंड एंड LOB। और जैसे जैसे आपके बाकी लेग्स 11% पे पहुंचते हैं वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ता है और नए लेवल्स पे नई इनकम्स शुरू होती है। मैं आपको एक बार सभी लेवल्स के नाम बता देती हूँ। जब आप 11% पे पहुँचते हैं तो आप बनते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। जब आपका कोई एक लेग डायरेक्टर बनता है तो आप बनते हैं सिल्वर डायरेक्टर। जब आपके अंडर कोई दो लेग्स डायरेक्टर बनते हैं तब आप बनते हैं गोल्ड डायरेक्टर। तीन लेग्स पे स्टार डायरेक्टर, चार लेग्स पे डायमंड डायरेक्टर, छः लेग्स पे क्राउन डायरेक्टर, आठ लेग्स पे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, 12 लेग्स पे डबल क्राउन डायरेक्टर और 16 लेग्स पे डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर यानी कि DUCD वेस्टीज का हाईएस्ट लेवल है। इन सभी लेवल्स पे अप्रॉक्सीमेटली मंथली इनकम कुछ इस तरह की बनती है। इस टेबल में जो इनकम आपको दिख रही है वो एक अप्रॉक्सीमेट मंथली इनकम है। अगर आपके टीम का बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो इनकम इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इन सभी लेवल्स की क्वालिफाइंग कंडीशंस क्या हैं और किस लेवल पे कौन सी नई इनकम शुरू होती है, इस सब पर मैंने एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपनी टीम के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपनी टीम के साथ शेयर करें, हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू वेल्थ।